सेक्शन फार्मूला के अब चलते हुए हम मिड पॉइंट फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि ये हम सेक्शन फार्मूला से ही ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट जो है, सपोज हमारे पास लाइन ए बी है, पी इज द पॉइंट एंड एक्ट्स एज अ मिड पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई बिटवीन ए एंड बी। यानी कि अगर लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन, और बी के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर हैं, एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, देन दिस एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, ये एक्स और वाई हमें मिलेगा कैसे। और आपको पता है दिस पी डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ऑफ एम वन इज टू एम टू, मगर यहां पर ये पी जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, पी इट सेल्फ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, सो आई कैन से दैट एम वन हेयर, एम वन इज इक्वल टू एम टू, वाई, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, M1 is equal to M2. Now we know that the x coordinate is given by M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2. Now using this equation we have M1 is equal to M2, yani M1 M2 ke barabar hai, then x is equal to M1 x2 plus M2 ke badle mein M1 laga dunga, M1 x1 divided by M1 plus M1. So I can write it just like this, x is equal to M1 common aayega, andar kya bachega, x2 plus x1 divided by twice M1, M1 M1 goes, then x is equal to x1 plus x2 divide by 2 or x2 plus x1 divide by 2 as addition is commutative. अब midpoint formula इसी को हम कहते हैं कि x को midpoint formula से हमें क्या मिल रहा है कि अगर ये point act कर रहा है, अगर the, if the point P acts as a midpoint, then the x coordinate is given by x1 plus x2 divide by 2. Similarly, मैं ये भी लिख सकता हूँ by following the same procedure, y is equal to y1 plus y2 divide by 2. ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि अगर एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा है और ये पॉइंट है, ये एक्ट कर रहा है एज ए मिड पॉइंट, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेरी दिस मिड पॉइंट दैट्स पॉइंट पी, सपोज पॉइंट पी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। अब आगे एक और पॉइंट लाइक दैट्स ट्राइसेक्शन। अगर आप इसी लाइन ए बी पर दो और पॉइंट्स आए और ये दो पॉइंट्स जो हैं ये इस लाइन के तीन हिस्से करें, सपोज पी एंड क्यू आर द टू पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द लाइन इनटू द थ्री पार्ट्स एंड दीज थ्री पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स लाइक एक्स वन कॉमा वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स टू कॉमा वाई टू। आपसे कहा जा आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस P ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया है। सब अब देख लो, ये ट्राइसेक्शन इट एक्ट्स दीज टू पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। नाउ अगर आप पॉइंट P को देखोगे ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, यहां से लेकर ये एक पार्ट है, यहां से लेकर ये एक पार्ट है, एक और एक हुए दो, तो दैट इज पॉइंट P डिवाइड्स इट इनटू द रेशियो ऑफ 1:2। सिमिलरली अगर आप Q का देख लोगे, Q का एक पार्ट ये बन रहा है, एक पार्ट ये बन रहा है, देन Q डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ऑफ 2:1।
नाउ अब इसी के आगे हमें जाना है एक्सरसाइज के थ्रू, और एक्सरसाइज के अंदर जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, दीज आर ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस मिड पॉइंट ट्राइसेक्शन और सेक्शन फॉर्मूला के। एक और चीज स्टूडेंट्स याद रख लो, अगर अब हमें से फॉर एग्जाम्पल हमें रेशियो नहीं दिया गया है, रेशियो सपोज हमें ये दिया गया है पॉइंट ए और बी है, पी इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज ए एंड बी आर द पॉइंट्स लाइन फॉर्मड बाय द टू पॉइंट्स दैट्स ए एंड बी, पी डिवाइड्स दिस लाइन, पी डिवाइड कर रहा है किस लाइन को, ए बी को। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये पी के एक्स कोऑर्डिनेट भी आपको दिए गए हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं, आपको अब यहां से क्या देखना है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन हैज बीन डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस वेरी पॉइंट, वी कैन सपोज इट लेट, तब हम क्या करेंगे, हम यहां से सपोज आप नहीं लेंगे, सपोज मैं करूंगा सपोज द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन इनटू द रेशियो ऑफ के इज टू वन, पॉइंट याद रख लो। अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट के रेशियोस पता नहीं है, यू हैव गिवन दैट कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वेरी पॉइंट हैज बीन मेंशनड इन द क्वेश्चन, देन यू कैन टेक द रेशियो एज के इज टू वन, वायर के इज कॉन्स्टेंट, तो हम वहां से खुद रेशियो ले सकते हैं क्या, के इज टू वन। दिस ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में हमें ये, तो एक्सरसाइज 7.2 में के लिए हमें चार चीजें जरूरी, चार चीजों पर नजर रखनी है। पहले सेक्शन फॉर्मूला पे, दूसरा हमें याद रखना है कि अगर पॉइंट एक्ट कर रहा है एज ए मिड पॉइंट, इफ द पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन एंड द पॉइंट एक्ट्स एज ए मिड पॉइंट, अगर ये पॉइंट एक्ट कर रहा है मिड पॉइंट, देन इसके कोऑर्डिनेट्स किस कैसे हमें मिल सकते हैं। अगर फिर दो और पॉइंट्स आ रहे हैं और ये इस लाइन के तीन हिस्से करें और तीनों के तीन हिस्से बराबर हैं, देन द रेशियो ऑफ दैट फर्स्ट पॉइंट कैन बी टेकन एज 1:2 एंड सेकंड पॉइंट कैन बी टेकन एज 2:1। अगर आपको वहां से रेशियो नहीं दिया गया है, आपको खाली एक्स को इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए गए हैं, देन यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सपोज यू कैन लेट द रेशियो इज इक्वल टू k:1। अगर अब आपने k:1 के बराबर रेशियो कर दिया है, तब हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आल्सो तब हम k का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, वो आगे हम एक्सरसाइज में जानेंगे।